जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जो चल रही है वो जेल के अंदर से चल रही है, तो दिल्ली तो इतना बुरा चीज तो डिजर्व नहीं करता है, तो उसके बहुत लिए गलत, क्या करना चाहिए बहुत। मतलब? कुलदीप जी देखिए अंजना जी, सरकार जो है वो जेल से चल रही है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना वोट दिया और सरकार और शानदार तरीके से चल रही है जेल के अंदर। बात, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मंशा उनकी ये है इनका कि सवाल ही वो, गलत है, मैं नहीं नहीं मैं जवाब दे गलत दूंगा उस हो बात भाई का, नहीं आप, बिल्कुल गलत नहीं हो। है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को वोट दिया, सरकार और शानदार तरीके से काम करे, लेकिन ये मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की है, उनको लगता था अरविंद केजरीवाल जेल में डालेंगे, आम आदमी पार्टी को तोड़ेंगे, वो आपने देख लिया। कल पंजाब के अंदर हमारे एमएलए ने आके, आप बोलते क्या हैं ऑडियो आपको दीजिए, नहीं लगता? एक ऑडियो सेकंड, एक सेकंड, अंजना एक जी, सेकंड, एक और सेकंड, एक अंजना सेकंड, 10 एक सेकंड दीजिए काउंटर अंजना जी, क्वेश्चन मुझे है। अंजना आप लोगों जी, ने जब आंदोलन किया था उस दौरान भी हम लोग जाते थे, और लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हर दूसरी लाइन में लोकतंत्र को बचाने की बात होती है। क्या ये लोकतंत्र में अच्छा प्रेसिडेंस है कि कोई भी जेल में जाए और जेल अंजना से जी, कहे इसका कि मैं, जवाब एक मैं सेकंड, इसका एक 10 सेकंड आप में उनको दूंगा। कमजोर समझते नहीं हैं नहीं कमजोर नहीं बोलने समझता, चाहती जेल हैं जाने का कि वो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा एक उन्हीं को है। जेल से मुख्यमंत्री बना मेरे रहे? मेरे भाई आप से समझ रहे हैं मैं इसकी गंभीरता? मेरे क्योंकि अंजना देखिए देखिए, एक सेकेंड, जब तक कोर्ट नहीं साबित कर दे कि नॉन गिल्टी, ही इज नॉट गिल्टी, तब तक सवाल है कि आरोप है। ऐसे में अगर कल को कोई भी पार्टी का नेता, आप लोगों ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की अंजना थी, एक जी, सेकेंड, कोई भी सीएम जिस पर संगीन आरोप भी है वो ये कहता है कि हम तो जेल गए, अब जेल से जाकर नॉर्म ये बन जाए, नॉर्मल ये बन जाए कि जेल में भी है तो सरकार हम ही चलाएंगे, अंजना जी, क्या अंजना ये जी, सही पहले है? अंजना जी, पहली बात यह कि देखिए, आज देश के अंदर पूरा देश ही देख रहा है, हमने संविधान की बात करी, आज संविधान धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं अनंत हेगड़े, हमें 400 पार चाहिए। उनसे पूछा क्यों चाहिए, हमें देश का संविधान बदलना है, ये संविधान बदल क्या करना चाहते हैं। पहली बात ये, लोकतंत्र को खतरा किससे आज? भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों के ऊपर, नहीं, उपराज्यपाल ये राज्यपाल इसके को सवाल बैठाया का जा रहा जवाब है। नहीं और है। दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, दिल्ली के लोग चाहते हैं सरकार ये चलाए, और हम जनता के बीच में गए और जनता ने, जनता से हमने जाके पूछा क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं देना अच्छा, चाहिए। किससे पूछा आपने? जनता से मेरे पूछा, पास तो कोई नहीं जनता आया के था। घर घर तक गए, नोएडा रहते कितनों हो के पास लोग अंजना आया जी, आप था? नोएडा में रहते नहीं हो, आप नहीं दिल्ली में नहीं रहते, मैं दिल्ली में आप रहती हूँ, नोएडा में रहते हो अरे अंजना जी, दिल्ली में आपके घर भी गए बोलता होंगे, हूँ, आपने अरे दरवाजा भी हद खोला है। होगा, अंजना जी, आप अंजना दरवाजा जी, भी खोला होगा होंगे आपके घर भी। अंजना जी, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में वोटर हूँ भाई। अंजना जी, आपने गेट आप नहीं नहीं खोला है होगा, वोटर कितने अंजना लोगों के जी, पास कोई आया था? बताइए, अंजना जी, आप नहीं है वोटर, नहीं, नहीं अंजना आप जी, नहीं अंजना है, जी, आप नहीं आए हो, किसी के अंजना जी, पास किसी कोई के आया पास आया था? था, अगर नोएडा के कोई इन नहीं सूखे आया दिल्ली की था, बात करो तो कैसे काम सब कह चलेगा रहे, अंजना जी, एक आदमी नहीं कोई मिल नहीं रहा है जो ये अंजना कह रहा जी, है कि अंजना उनके घर जी, आया। ये लीजिए, दिल्ली दिल्ली के लोगों ने घर घर तक गए थे, डेटा शेयर किया ये था, लीजिए, दिल्ली के लोगों ने एक स्वर में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी एक को स्वर में, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, और सब देख रहे हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद जेल के अंदर डाला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी सोचती है मंसूबे कामयाब हो जाए, पंजाब के विधायक खरीदा जा रहा है। बताइए, हमारे एक सांसद ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, और सबको पता है भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर है वहां पे, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते अंजना हैं, जी, आपकी रिपोर्ट, ये एक पूरी बात, सर, 10 सेकंड देख में किसी की दस बात पूरी सेकंड नहीं, अंजना उनका जी, मौका क्यों छीन रहे हैं दस सर? हाँ, सेकंड, सीट ये दिया पूरा इसका देश क्या मतलब जानता है आपको? है, चुनाव 10 सेकंड, ये लड़ने पूरा के लिए देश बोल रहे जानता हैं? है कि जो हमारे हाँ सांसद प्रत्याशी थे वो हाँ वहां भाजपा लड़ेंगे, चौथे नंबर पे रहेंगे वहां पे, मैं दावे से कह रहा हूं, आपके सर्वे भी कहते अंजना होंगे, जी, मैं लेकिन आप उत्तर सोचिए दूंगा, क्यों गए? केवल डर, किसका डर? सीबीआई का डर, ईडी का डर, फंसाने का डर, जेल भेजने का डर, सिर्फ दस ज्यादा सेकंड सिर्फ ये जो दस दिया एक जा रहा लाइन है मतलब एक इस लाइन, देश की डेमोक्रेसी को और बाबा साहब के संविधान को छन्नी करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसका खेल किसने देखा? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए चंडीगढ़ में, जेल से सीएम चंडीगढ़ में सरकार तमाचा मारा चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे, इसलिए चूंकि वोटों की चोरी करने एक पर लगे सेकंड एक आपके सेकंड ये एक एमपी सेकंड, के अंदर, तो आप ये वहां कह रहे हैं कैमरा चूंकि भरा गए बीजेपी थे, ऐसा कर रही इनको है शर्म इसलिए आती है, सीएम सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल कह से लो। जेल से सरकार चलाएंगे। अंजना ठीक, जी, एक लाइन में इसका जवाब है, हाँ जब समूचे हिंदुस्तान को एक तानाशाह जेल में तब्दील कर देगा तो वो वहां सबसे सर, ज्यादा नहीं आजादी एक है मिनट दिल्ली अंजना को जी, चलाने की, उसको जेल मत कहिए, चलिए ये ठीक, स्वतंत्र एक दूसरे एक मिनट स्वतंत्रता का अंजना जी, आंदोलन है ठीक जो सब सर, एक मिलकर सेकंड, लड़ दो रहे एक हैं। दो नहीं, एक सवाल ही है। लाइन है, अच्छा क्योंकि हाँ, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को गाली देना, तानाशाह कहना, सबसे पहले तुम्हारी अपनी तौहीन है, सरकार है तुम्हारी भारत से ज्यादा तानाशाह, मजबूत लोकतंत्र कहीं है नहीं, सरकार है भारत है तो तानाशाह, सबको आज जेल आचार चाहिए, चलो विचार व्यवहार तानाशाह सबको बोलते कैद कर हैं, दिया। बताइए आज मोदी जी को देश जिनको देश के जनता अपनी पलकों पे बैठा के हाँ, रखती है, पंचम दिल जो धड़कता है जिनके लिए, उनको तानाशाह आप बोलते ठीक है, हैं, छोटे बोलते छोटे हैं सवाल, अभी छोटे वो छोटे, तानाशाह अरे छोटे जो सवाल, चंदा लेके धंधा देते हैं, चलिए छोटे, पहले अच्छा अगला बताइए, सवाल एक जो बात भी है, आएगा बिना वो आपको पिटारे लेके मिलेगा, आते हैं अगला सवाल जो भी आएगा आपको आंसर लेकिन करना है, वो वरना ये तरीका मौका नहीं नहीं बनी। देंगे आपको। अंजना हाँ जी, अंजना, सरोज गौरव भाटिया भाटिया जी जी से से मेरा मेरा सवाल सवाल है, है, पूरे एक शो सेकंड, में एक जी, सेकंड, दोनों एक से सेकंड, नीरव बोल मोदी पाएंगे को और मेहुल चोकसी को नहीं पकड़ पा रही है, वो इलेक्शन से पहले अपोजिशन के लीडर्स को क्यों नेताओं को पकड़? बहुत जल्दी पकड़ लेती है, आप जवाब तो देंगे मैं इसका, आपको, माधव साहब मैं दे, हाँ, दे, दे, प्लीज, दे, माधव देखिए साहब उसके बाद भारत आप की भी दे जितनी दीजिए। भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
एजेंसी है, विश्व में उसकी प्रतिष्ठा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, चाहे कांग्रेस के लोग आरोप लगा दे या तमाम अन्य घटक दल के लोग आरोप लगा दे, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्वायत्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और रेपुटेटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, स्वाभाविक है। एक मिनट, जहां तक अब मोदी जी की बात होती है कि मोदी जी इसका दुरुपयोग करते हैं, मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके अरविंद केजरीवाल की तरह वो स्वघोषित कट्टर ईमानदार नहीं बोलते हैं, देश की जनता ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बारी है, देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतवर्ष की जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो अटूट विश्वास है, सर्वोच्च अदालत ने कहा है 2024 में भी देखने को मिलेगा। सर्वोच्च अदालत ने जोर से भी ज्यादा बेहतर जोर है, कोई वाला नहीं है, ये गलत है। सुन लीजिए कुलदीप जी, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है समय के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदलती है, गठबंधन चेंज होता है, लोग इधर उधर भी जाते हैं, लेकिन मैं एक मिनट सुन लीजिए, राजनीति में केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग के एनडीए अलायंस में केमिस्ट्री तो अच्छी है ही और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी है, और इनके यहां ना केमिस्ट्री दिखाई पड़ रहा है और मैथमेटिक्स में तो लगता है जीरो है, लगता है पढ़े ही नहीं है ये लोग। अच्छा, तो स्वाभाविक है। पर केमिस्ट्री में क्या कमी आपको दिख रही है? क्या आपने ये दिन सोचा था? आपने ऐसा दिन सोचा था एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करेगी? मैं अंजना जी उसी पे आ रहा था, यही लालू प्रसाद यादव जी के अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल क्या बोला करते थे, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव एक साथ आए, मंच शेयर करने से मना कर दिया। आज उसी लालू यादव के बेटे जो भी भ्रष्टाचार के आरोपी है आज गले मिलते हैं। अरे भाई, आप बैनर पोस्टर लगाते हो पूरे दिल्ली में, आपकी सरकार ने चोरी किया। लड़ाई नहीं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। हाँ, आपसे है गौरव जी। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, शरद रेड्डी वो भी शराब घोटाले में शामिल थे पर उन्हें बेल देके छोड़ दिया गया, क्यों? उन्होंने क्योंकि डोनेशन दिया था आपको, क्या यही न्याय है हमारे इंडिया का? जवाब दीजिए। देखिए, बहुत सम्मान पूर्वक अपनी छोटी बहन से ये कहूंगा, ये तथ्य ही गलत है। वो बेल ऑर्डर लेके आया हूँ, मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको बेल मिली, और जहां तक और विरोध नहीं किया आपने, ये भी तो बताओ ईडी ने। मैं ऐसे कर नहीं सकता, नहीं ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। आप ही आ गए ना सर, मैं हट जाती हूं, ये तरीका नहीं है, मना नहीं कर रहा, प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज सर। अरे ईडी ने नहीं दिया इंद्र जी, पीठ के 60 करोड़ अकाउंट में आते, पीठ के दर्द पे बेल मिल जाती है, सोचिए। और ईडी अपोज नहीं करता, ये इंद्र जी दर्द इसलिए उनको कोई जायज ना कोई वोट दे रहा है, ना कोई इलेक्टोरल वोट दे रहा है, इसीलिए लोग परेशान हैं। पूरे देश ने देखी है और आज भी देख रहा है, उनको फिर वापस भेज दिया। अकेला रेड्डी नहीं, मेडिकल रीजंस पे मिला ना, ठीक है, मेडिकल मिली उनको। जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात, पूरी कीजिए, पूरा नहीं कर सकते सर, बोलना पड़ेगा बीच में, क्योंकि मैं जाके डिबेट है क्या सर, फिजिकली तो मैं आके चुप नहीं करा सकता। सम्मान है आपका, सम्मान इनका नहीं होगा। अकेला रेड्डी नहीं है, बेल्लारी वाला भी एक रेड्डी है, 35,000 करोड़ का आरोपी, बहुत सम्मानित है, 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी रेड्डी बेल्लारी वाला, उसको सीबीआई ने अभी 4 महीने पहले 125 बेस कीमती संपत्ति की लिस्ट दी और सीबीआई कोर्ट से कहा कि जब्त कर लो। अब प्रधानमंत्री जी ने फिर उसको गले लगा दिया, देख लीजिएगा उसकी संपत्ति भी रिलीज होगी। और अब मैं आप दोनों को भी ना गौरव भाटिया ही बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों ने नाम तो बदल लिया है। अरे नहीं बदला सर, मैं गौरव भाटिया बोल रही हूँ तो जवाब सुनिए प्लीज सर, प्लीज डिकोरम रखिए सर, आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज सर। देखिए, मेरी छोटी बहन ने एक सवाल किया और समय मिल गया जब ये चीख रहे थे एक दूसरे पे, तो मैंने वो जजमेंट निकाल लिया। थोड़ा तैयारी से आते हैं, पैरा 15 है इसमें, और कोर्ट ने लिखा है कि मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे रहे हैं, और एक कंपनी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कानून में, उसमें कई डायरेक्टर हो सकते हैं, शरद रेड्डी एक डायरेक्टर थे उसमें, बाकी कंपनी का प्लीज शांत, बाकी सारे उनके पिताजी हैं। मैं एक बात झूठ बोल रहे हो, आप इतने बड़े वकील हो, एक मैसेज में झूठ बोल रहे हो, उनके पिताजी का शायद शेयर होल्डर है, आप झूठ में बोली चैनल पे। और दूसरी बात एक बार बताइए, आपने कहा मेडिकल ग्राउंड में दीजिए, बताइए कितने मेडिकल ग्राउंड लगाऊं, मुख्यमंत्री की शुगर 400 होती है, बताइए आप उस पे बेल देना बोलते हैं, फायदा हमारा, ये अपोज नहीं करेगी उसको, ईडी चुप हो जाती है, वहां कोर्ट में जाके जो पैसे मिल गए, चंदा देके धंधा मिल गया, जैसे ही साहब के अकाउंट में 7 करोड़ आए, ईडी का मुंह बंद। चाहते नहीं शरद रेड्डी पर जवाब नहीं चाहते हैं, आपकी क्या अगला सवाल है? आप सवाल आपको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, इनका सवाल लूंगी मैं, चलिए बोलिए। सॉरी, इनकी तरफ से है कि आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं सुनीता केजरीवाल जो एक सेकंड, अच्छा मैंने सुना नहीं बीच में क्या हुआ, चलिए सवाल पूछिए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता से कि जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल सुनीता केजरीवाल जी जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ है वो सीएम की कुर्सी पर बैठकर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो क्या पार्टी उन्हें नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रही है?
आपने कैसे, आपको कैसे लगा? पहले मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, बाहर रहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती है ना पूरे देश के अंदर, ये होगा जी अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आप भ्रम छोड़ दिए भाजपा। मैं मेरे मित्र भाई से भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी सही थे, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो जब ईडी के समन आए थे वो क्यों नहीं गए अपनी बात अपने तथ्य सामने रखने? ठीक है, दो तीन सवाल। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि प्रताप सरनायक, अशोक चव्हाण और प्रफुल्ल पटेल, इन सभी नेताओं को भी ईडी के समन आ रखे हैं, पर जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी या तो उनका केस। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। सर आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी था, लेकिन जब से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी अभी पता चला है 53.2 करोड़ का तो उनका बंगला निकला है, जो उनका पर्सनल बंगला है। तो ये मतलब आम आदमी पहले स्पष्ट कर दूं, पर्सनल बंगला नहीं सरकारी बंगला है। सर सरकारी बंगला तो अलग है, जो अभी उनका पर्सनल बंगलो है उसकी प्राइसिंग कर दीजिएगा, मैं करेक्ट कर दूंगी। लेकिन अच्छा है कि आप 53 करोड़ पे कुछ नहीं बोल रहे, झूठ फैलाती है। वो सरकारी बंगला, जो मुख्यमंत्री आएगा वो उस बंगले में रहेगा, चाहे कोई भी हो, किसी से उसी बंगले को इतना वो किया है ना, उसी बंगले पर खर्च, उसी की इंटीरियर डिजाइनिंग में 53 करोड़ आए कहां से? आम हम लोगों में, हमारे घर तो 53 करोड़ के नहीं है। जहां से मोदी जी के लिए जेट प्लेन आता है, जहां मोदी जी 5 करोड़ जेट प्लेन में चलते हैं, बड़े बड़ा इतना बड़ा पीएम बनाते हैं, नए संसद बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सर मुझे एक चीज जाननी है, मैं भी आम आदमी पार्टी में, जो मेरा भी 53 करोड़ का बंगलो बन जाएगा? अगर आप सरकारी आप मुख्यमंत्री बने बनवा सकते हो, चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा, आपको भी ये बोलना पड़ेगा। मेरी बहन को ये बोलना चाहिए कि अगर मैं भी 60 करोड़ भाजपा को चंदा दे दूं तो क्या आपकी बेल हो जाएगी? आपको ये मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, जनार्दन रेड्डी पे सीबीआई के 9 मामले चल रहे हैं, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो क्लीन हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। मनीष सिसोदिया को आप अगर अपने पार्टी में ज्वाइन कराते हैं तो कितने दिन में साफ करेंगे? और आम आदमी पार्टी से यह सवाल है, जैसे मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो उनसे रेजिग्नेशन ले लिया जाता है, और अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में सीएम बनने का ऐसा कोई ख्वाब नहीं है, तो जब सिसोदिया से आपने रेजिग्नेशन लिया तो केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार क्यों चला रहे हैं? आपके दोनों सवाल रिपीटेड हैं, प्लीज कोशिश कीजिए जो सवाल पूछा जा चुका है रिपीट मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, क्या वो जेल में रहकर सरकार चला पाएंगे? हाँ बिल्कुल चलाएंगे, दिल्ली जनता के साथ। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है, जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से ही, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चलिए जिनका हो गया बैठिए जाके जल्दी। सर आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चंदा मिला उस पर सीबीआई रोक लगा दी गई है, बट आप उस पर कैसे पोजीशन कर सकते हैं? रूल्स तो आपके बनाए गए थे, 14 लाख का चंदा आपने लिया जिसपे आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो रूल्स अलग हैं? आपके लिए अलग, आम जनता के लिए अलग, आम जनता इलेक्शन बॉन्ड पे उसका कहना है सबने लिया इलेक्शन बॉन्ड। जल्दी 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 टाइम जल्दी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी, मैंने पकड़ा हुआ है, मैं बता जवाब दूंगा। पूछे पूछे। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से, आपने शराब नीति आप ही लेके आए हैं, और आपको अगर उसमें, अगर उस नीति में आपको अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपने भूल गया पूछना चाह रही थी, वापस क्यों लिया? वापस क्यों लिया फिर? नर्वस मत होइए। अब एक एक लाइन, एक सेकंड, एक सेकंड, सिर्फ एक एक लाइन में जवाब देने का वक्त बचा है, तो आप आपसे शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2017 उनका सवाल ये था इलेक्शन बॉन्ड से आप भी ले पैसा, और जब ये ले तो ये अकाउंट फ्रीज होने की बात कर रहा है 14 लाख के चंदे की, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए एक मिनट आखिरी बात, एक लाइन है। 1400 अकाउंट ऐसे बीजेपी के निकले हैं जिनमें खाते में ना कोई नाम है ना पता है, 400 खाते जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी उससे सरकार को फायदा हुआ, 3300 करोड़ रुपए का फायदा। वापस इसलिए ली क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इन्होंने बैठाए हुए हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सारे वेंडर के ऊपर दबाव बना रहे थे, उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, इसलिए राजनीति में नैतिकता नाम की भी चीज होती है। नैतिकता के स्तर पे जो है अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफा देना चाहिए, और परिवारवाद के पोषक न बने यह मैं आशा करता हूं। अंत करूंगा सकारात्मक बात में, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई बनाएंगे तो श्री नरेंद्र मोदी जी, 400 का आंकड़ा पार कराएंगे तो नरेंद्र मोदी जी, और आपका भविष्य उज्जवल होगा, संविधान बदलेंगे तो मोदी जी।